कायनात, अभी तक सो रही हो? उठो बेटा, सुबह हो। कायनात, 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 जीशान, जीशान, कायनात, कायनात, लेकिन ईशान बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। मैंने बार बार तुमसे कहा है कि इसका खास ख्याल रखा करो, तुम्हारी समझ में नहीं आती बात? देखो किस तरह बर्फ हो रही है। बिल्कुल ईशान बिल्कुल ठीक थी शाम तक, ये तो मेरी अचानक आंख खुल गई तो मैंने कहा देख लूं इसने मेडिसिन ली है या नहीं ली, तो बेहोश पड़ी हुई थी। देखे ना इसे क्या हो गया है। कायनात, इसका हाथ लाओ, ठंडी बर्फ हुई भी है। कायनात, कायनात बेटा, उठो। मैंने सारा से कहा है वो आती होगी, अभी आगे चेक करती है। कायनात बेटा, उठो। सारा, सारा, कायनात की तबीयत काफी बिगड़ गई है, तो हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। मैं तुम्हें कभी ना कहता अगर भाई साहब मुझे तुम्हें बुलाने को ना कहते तो। सुबह सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना होता है, प्लीज मुझे सोने दो, लेके जाओ उसे किसी हॉस्पिटल। सारा, तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे प्रोफेशन का ताल्लुक जाति दुश्मनी से नहीं है। प्लीज देखो भाई साहब की बात नहीं मानोगे, एक 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 बीमार शख्स को तुम्हारी जरूरत है, अपनी अना का मसला मत बनाओ प्लीज, फॉर गॉड सेक। सारा, सारा प्लीज देखो ना इसे क्या हो गया, जवाब ही नहीं दे रही किसी बात का। देखो ना सारा कितनी ठंडी हो रही है। सब ठीक तो है ना सारा? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना सारा? नहीं भाई साहब, मुबारक हो, शी इज प्रेग्नेंट। या अल्लाह, तेरा शुक्र, या अल्लाह, मेरी बहन की गोद भर जाए।